हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, अभी सुबह के टाइम अभी मैंने ब्रश किया, उसके बाद तुरंत ही जा रहा हूँ अभी सेवई खाने के लिए। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, सेवई का मैंने एक ब्लॉग बनाया था, आज उसी उसी का सेवई बनाया मेरे घर पे। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से, यहाँ पे मैंने अभी मैदा वाला लिया है सेवई। यहाँ देख सकते हो सेवई कितना अच्छा सेवई है। और आप लोगों, अगर मेरा सेवई वाला ब्लॉग नहीं देखे है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाके देखिए, बहुत ही अच्छा फनी ब्लॉग है। आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा बस। यहाँ देखिए दोस्तों, देख सकते हो किस तरह से, यहाँ पे भी इसको मैंने खोल दिया है और ये पूरी तरह से घूम रहा है। ए बाहर मत जा, ओए 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 ओए, अरे वहाँ बा काट ली बगा उड़वा, चला उठा ले जाई, अब चला तू पैक हो जाए। अब दोस्तों वहाँ पे शेरू है ना, तो शेरू अभी इसको पकड़ लेगा, लेकिन पकड़ता नहीं है, इसके साथ खेलता है। और क्या ही बताओ, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, इसका ना बाल बहुत टूट रहा है, पता नहीं क्यों। या आप लोगों को मैं बाल दिखाता हूँ, उसका हाथ में पूरा बाल आ गया था, हाथ में इस तरह से कुछ बाल देख सकते हो, ये देखिए बाल, ऐसे बाल टूट रहे। दोस्तों सेवई तो खा चुके, और आप लोगों को मैं बताऊँ, मेरा बस एक ही रैबिट बचा है, क्योंकि दो रैबिट ना मैंने दूसरे को दे दिया, क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो रहा था उन लोगों को संभालने में। अब बस मेरे पास एक खरगोश बचा है, एक खरगोश और खरगोशान थी, तो मैंने दूसरे को दे दिया, बस खरगोश ही बचा है। उसको भी मैंने रूम के अंदर छोड़ के रखा है और अभी टहल रहा है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अभी। दोस्तों अम्मी यहाँ पे अभी गोबर उठा रही है, और मैं अभी बाजरा काट के लाया हूँ, तो अभी मैं इसको बांधने के लिए जा रहा हूँ। मम्मी यहाँ पे देखिए किस तरह से सफाई कर रही है, और यहाँ रहा मशीन, और मेरी छोटी चाची की लड़की है, तो वही धरा रही है, सही से लगा नहीं पा रही है। और अभी मैं जल्दी से घास बांध लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। ये देखिए किस तरह से गिर रहा है, ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा। फिलहाल दोस्तों अपने डॉगी को मैंने दिया है दूध और चावल, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से, एक कटोरा दूध और चावल इसको रोज डेली देना पड़ता था। 2 दिन भैंस मतलब दूध नहीं दी, तो फिर उसके बाद खाना नहीं खाया। दोस्तों मेरे गांव में देखिए कितना तो भयानक है सीन लगा हुआ, कितना भीड़ लगा हुआ है। ये देखिए अंकल जी लेकर आए हैं भैंस का बच्चा, जो कि पड़िया है, पड़िया मतलब कि ये पड़वा ले रहे हैं, भैंस का बच्चा जो होता है ना पड़वा, तो ये पड़िया दे रहे हैं लेकर, ऐसे बदली कर रहे हैं। बताइए ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसा कहीं होता है क्या, आप लोग के गाँव में होता है? वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, प्लीज करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेट करता है, लेकिन मोटिवेट करने की जगह ना हमको लोग यार डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे ना 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, फिर 501 हुए, 510 हो गया था, लेकिन सब लोग ना मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे अपना प्यार सपोर्ट ऐसी तरीके से आप लोग दिखा रहे हो, इसी तरीके से दिखाइए, ये भी अच्छा है। तो आज का ब्लॉग में इतना ही रहेगा, और कुछ नहीं, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।